हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही थी, विदाउट ऑयल की। तो मैंने सोचा कि आज चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि बिना तेल का सब्जी कैसे बनता है और ये खाने में कैसे लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करें कि हमारा ये एक्सपेरिमेंटल कैसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने आलू पालक बनाई है। तो आलू पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो पालक लिया है, जिसे हार्ड स्टेम मैंने तोड़ लिया है और जो ज़्यादा सॉफ्ट थी स्टेम उसे मैंने रख लिया है। आप चाहें तो सिर्फ पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर दो आलू मैंने लिया है जिसे मैंने धोकर कट कर लिया है। तो मेरा बड़ा साइज का आलू था, आप उसी हिसाब से ले लीजिएगा। जो पालक के पत्ते थे उसे मैंने बारीक कट कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। कढ़ाई में सबसे पहले हम लोग तेल डालते हैं, पर इस रेसिपी में एक बूंद भी हम तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा और दो तेज़पत्ता इस्तेमाल किया है और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं जीरा का कलर चेंज हो गया है, रोस्ट हो गई है। तो मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। तो ये आधा कप के करीब मैंने प्याज है, मैंने एक बड़ा साइज का प्याज लिया था जिसे बारीक कट कर लिया है। और इसका पानी सूखने तक यूं ही भूनते रहेंगे। जब पानी इसका हल्का सूख जाएगा, आपको ड्राई लगेगा और प्याज कच्चे लगेंगे, तो इसमें पानी के छींटे मारते हुए आप इसे अच्छे से भून लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी के छींटे दो से तीन बार मारा है। उसके बाद जो हमारा प्याज था भून गया, तो मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ क्योंकि हमें आलू को भी भूनना है। आलू के साथ मैंने मिर्च भी डाल दिया है क्योंकि मैंने शुरुआत में मिर्च नहीं डाला था। बस इसे हम भून लेंगे। तो आप चाहें तो इसे ढक ढक कर भून सकते हैं। तो मैंने इसे ढक ढक कर भून लिया है और इसे बीच बीच में खोल कर चलाते भी रहेंगे, नहीं तो इसमें तो बिना तेल का बन रहा है तो ये नीचे से सट जाएगी। चाहे तो आप हल्का सा छींटा मार के भी भून सकते हैं, जैसे हमने प्याज को भूना था। जब आलू भून जाएगी तो मैं इसमें एक बड़ा साइज का टमाटर मैंने बारीक कट कर लिया था और साथ में मैं इसमें लहसुन डालूंगी। मैं यहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल की थी, आप यहाँ पर अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन अदरक। तो मैंने लहसुन, थोड़ा सा आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, एक चौथाई चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, आधा छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और साथ में एक चौथाई चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। और टमाटर हमने डाला है तो टमाटर के साथ मैं नमक डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार। इन सभी को भी हमें भून लेना है तो हमारे जो मसाले हैं उसका कच्चापन ना रहे। तो यहाँ पर हम दो से तीन मिनट इसे ढक ढक कर भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ना रहे और आलू भी सिझ जाए, अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर दो से तीन मिनट के बाद, मसाले भूनने के बाद, मैं इसमें डाल दे रही हूँ पालक। और पालक को डालकर बस इसे हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हम इसे ढक कर पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया और इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे ताकि जो आलू है वो अच्छे से पक सके और जो पालक है वो भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बिना पानी का मैंने यहाँ पर सब्जी बनाया है। पालक से ही जो पानी छूटती है, पानी निकलती है, उसी से ये आलू भी पक कर रेडी हुआ है। देख सकते हैं कि जो हमारा पालक है, आलू है, अच्छे से पक गया है। मैं आलू को भी आप लोगों को तोड़ कर दिखा रही हूँ कि ये कैसी पकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आलू है ना, वो भी अच्छे से पक गया है, बहुत अच्छे से मसला जा रहा है। तो ये हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने लायक। तो मैंने इसे रोटी के साथ बनाया था और सच मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। इसमें लग ही नहीं रहा था कि ये बिना एक बूंद तेल का बनकर रेडी हुआ है।
आप भी इस आलू पालक की सब्जी को बिना तेल का बनाकर देखिएगा, कोई फर्क नहीं वैसा नजर आता है इस सब्जी में, टेस्ट भरपूर रहता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो की एफर्ट मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और इसी तरह की वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाएं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।